सबसे रिश्ता है प्यार का। इसीलिए तुमसे मना करती थी कि इन हालात में अकेले घर से बाहर ना जाया करो। अम्मी, हीरा बिचारी को साथ ले जाती तो क्या हो जाता? उसका भी कुछ ना कुछ चला जाता। फिर भी एक से दो होते तो चोर डाकू करीब आते वक्त कुछ सोचते तो? पता है अम्मी, वो जो आप मेरे लिए सिंगापुर से ज्वेलरी का सेट लेके आई थी ना, वो भी उसी में चला गया। तुम्हें भी पूरा ड्रेसिंग टेबल साथ लेकर चलने की आदत है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं तो अपना बैग लेके जा रही थी लेकिन वो हीरा की बच्ची मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं तुम ये रेड वाला पर्स लेके जाओ, तुम्हें सूट करेगा। मैं भी उसी की बातों में आ गई, हालांकि मैं जानती हूं कि मुझे रेड कलर रास नहीं आता। दफा करो, छोड़ो, शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। जान बच तो गई लेकिन खौफ से जो मेरा खून खुश्क हुआ है ना, वो शुक्र अदा करते हैं बेटा। और अब याद रखना, वक्त बे वक्त बाजार जाने से बाज आ जाओ। अच्छा, अब सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो, जाओ जाकर चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। हीरा की बच्ची, तुम जानती हो ना आज तुम्हारी वजह से मेरा कितना लॉस हुआ? मेरी वजह से तुम्हारी जान भी बची है। क्या मतलब? अगर तुम पर्स न देती तो मोबाइल देती, और अगर मोबाइल न देती तो? हीरा की बच्ची, तुम जानती हो ना मैं रेड कलर कितना अवॉइड करती हूँ। और अगर तुम्हारे फियांसी को रेड कलर पसंद हुआ तो? वाह माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। अरे जिस फैंसी के अभी तक कोई वजूद नहीं है उसका जिक्र लेके बैठ गई हो। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज करूं कि मम्मी की फ्रेंड नाहिद आंटी अपने बेटे के लिए बहुत जोर लगा रही हैं। कल भी वो 2 घंटे रेहान भाई के गुनगाती रही हैं। इसे रेहान है तो बहुत क्यूट। उस दिन काफी देर तक मुझसे फोन पे बातें करता रहा। कुछ शर्म करो, किसी अजनबी के लिए ऐसा नहीं कहते, वरना मस्जिद की रिवायत वाली शर्म मर जाती है। बकवास नहीं करो। अच्छा, वो जो मेरे मंगेतर के ताने बाने जोड़ने में लगी रहती हूँ, वो तो मैं कर रही हूँ ना। तुम सिर्फ खामोशी से देखो और मशी की लड़की की तरह सर झुका दो। ओके फाइन, मैं तुमसे कोई बात नहीं करती। मैंने शर्म करने को कहा था, नजर लगाने को नहीं। देखा देखा, इसका कलर भी रेड है। मुझे तो लगता है तुम स्पेन का भूलो जो रेड कलर से हाइपर हो जाता है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि मैं क्यों इस रेड कलर से नफरत करती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं नहीं नहीं, मंगनी पे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शादी के लिए तो मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी ना। वो तो रेहान भी एक दो साल तक शादी के हक में नहीं है। कह रहा था जरा बिजनेस सेट हो जाए तब आपकी बहू ले आऊंगा। लड़कों को अगर मेहनत करके मकाम बनाने का शौक हो तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद रेहान अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना चाहता है। बस तो फिर ठीक है, मंगनी के लिए जिस वक्त आप आना चाहें आ जाएं, हमारी तरफ से इजाजत है। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हम तो बस कल आ रहे हैं। जी जी जरूर। अच्छा ये तो बताइए कि कितने लोग होंगे आपके साथ? देखें ये तो सिर्फ हमारे और आपके घर वालों का फंक्शन है, बाकी मंगनी का बाकायदा ऐलान तो हम बाद में करेंगे। आप भी कमाल करती हैं। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो बस फिर हम कल मिठाई और बच्ची का जोड़ा लेकर आपके घर आ रहे हैं। हैं? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है ये सब कब हुआ। अब इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैंने मॉम से कह दिया कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो कि तेज बिल्कुल ना हो। हाँ अलबत्ता रोमांटिक जरूर होनी चाहिए। ओ, फिर तो आपने बहुत ही गलत जगह ट्राई की है। क्या मतलब? इसलिए कि मुझे रोमांस से सख्त छेड़ा। लेकिन हीरा तो कह रही थी कि हीरा ने भी दुनिया में देखा है क्या? ओ, तो आपने क्या देख लिया? अभी अभी तो आपको देखा है और जब से देखा है तो अजीब लड़की है। कभी तो रोमांस के बिल्कुल खिलाफ हो जाती हैं और कभी आपकी बातों में सवाए मोहब्बत के और कुछ भी नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? आपने इतना अहम सवाल इतने गैर अहम मौका पर किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें, मेरा ख्याल है कि ये बातें फेस टू फेस बैठ के करनी चाहिए। नहीं ओके ठीक है बाय।
जैसी औरत के साथ शादी करके मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। लेकिन मैंने तो हर हालत में आपका साथ दिया है। तो अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मुझे सलमा के साथ शादी क्यों नहीं करने दे रही हो? क्यों बन रही हो हमारे बीच रुकावट तुम? खुदा के लिए अपनी बच्चों की तरफ देखिए, उनकी शादियों के बारे में सोचिए, खुद अपनी शादी कर रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि सलमा खूबसूरत और जवान है, उसके होने से मेरे बिजनेस को कितना फायदा होगा कभी सोचा है तुमने? बिजनेस के लालच में आप मेरी तमाम कुर्बानियों को भूल गए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा फैसला यह है कि मैं सलमा के साथ शादी करूंगा, और अगर तुम मेरी शादी के बीच में रुकावट बनी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करे, मैं हर किसी की शादी नहीं होने दूंगी। तो तुम इस तरह नहीं मानोगी? अगर तुम दो टोक अल्फाज में बात नहीं कर सकती तो फिर मैं करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, समझी तुम? शीशा कहाँ गई? तुमने कहीं तंग तो नहीं किया? नहीं मॉम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ओह, कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली से पूरा से एलर्जी है, इसलिए चली गई। क्या हो गया था? उठकर क्यों चली गई? कपड़े भी चेंज कर लिए? आंटी इतना परेशान हो रही थी। ये देखो, फिर रेड स्टोन। तुमने रिंग उतार दी? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है हीरा, जब अब्बू ने अम्मी को डिवोर्स दी तो अम्मी ने रेड सूट पहना था। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्यों, तुम्हें अभी यकीन नहीं है कि ये रेड कलर मेरे लिए कितना मनहूस है? मेरे पास इस रंग के हवाले से कोई अच्छी याद, कोई अच्छी बात नहीं है। शीशा, तुमने इस बात को महसूस कर करके अपने ऊपर तारी कर लिया है। तारी नहीं की, मेरे साथ हमेशा से यही होता। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं ये रंग
खुशियाँ ना खा जाए। प्लीज चिता वहम मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे खुशियाँ चाहिए। मैं इस टेंशन से निकलना चाहती हूँ। हीरा हीरा मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। मैं इस टेंशन से निकलना कहीं ऐसा तो नहीं कि शिजा किसी और को पसंद करती हो और मैंने उसे जबरदस्ती प्रपोज किया हो। हेलो हेलो शिजा, मैं शिजा, मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। नहीं नहीं तो वो आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं थी? खुशी मैं तो बहुत खुश हूँ। आप जिसे खुशी कहती हैं हमारी जुबान में उसे उदासी कहते हैं। आपको नहीं पता कि मैं यही कि आपका हम सफर कोई और है और आपने सिर्फ मॉम की ख्वाहिश के आगे हाँ कही है, यही ना? गॉड, आप गलत समझें। आप मेरी देखिए शिजा, अगर आप इस ताल्लुक से खुश नहीं हैं तो मैं भी जबरदस्ती के ताल्लुक को बरकरार रखने का कायल नहीं। रिहान मेरी बात सुनो पहले। मैं गलती तुम्हारी है, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां से उठकर आ जाने की? इंसान तो यही समझेगा ना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। अब जो होना था वो हो चुका, ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, तुम रेहान भाई से अकेले में बैठकर बात करो और उन्हें समझाओ कि तुम्हारा मेन इशू क्या है। तो क्या वो इस तरह यकीन कर लेंगे? ये तो प्रॉब्लम बताने वाले पर है कि वो अपना केस किस तरह बयान करता है। अच्छा, तुम चलोगे ना मेरे साथ? क्या हो गया तुम्हें? मंगेतर तुम्हारा, मसले तुम्हारे, मैं कब आप में हड्डी बनकर अच्छी लगूंगी क्या? प्लीज हीरा, प्लीज। अच्छा तुम इस तरह कर लेना कि तुम गाड़ी में बैठ जाना। वाह, तुम लोग खाओ आइसक्रीम और मैं बाहर सड़ती रहूं गाड़ी में। ना बाबा ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी हमारे साथ बैठ जाना। हाँ लेकिन जरा गैप देकर। हाँ चलो ठीक है, लेकिन प्लीज हीरा, अम्मी को पता ना चले। बेफिक्र रहो, नहीं पता चलेगा उन्हें। थैंक यू।
मीरा तुमने रेहान को कॉल करके बता तो दिया ना कि हम घर से निकल चुके हैं। जी जी, मेरा उन्हें फोन कर दिया था, वो रेस्टोरेंट में हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है यार, तुम पहली बार उनसे मिलने जा रहे हो, वो भी खाली हाथ, ये नॉन रोमांटिक हो तुम। यार हीरा तुम्हें पता तो है मैं कितनी टेंशन में हूँ। अब टेंशन वेंशन को छोड़ दो और भूखे ले लो जल्दी से। ठीक है। सब मुरादें पूरी होंगी, जो चाहो सो पूछ लो, नजूमी बाबा सब जानता है। बाबा जी मेरे लिए एक फाल निकाल दें, कहीं मेरे साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं होने वाला। मेरा मतलब है कि मेरा मंगेतर रेहान मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा। आंखें बंद करो और अपने मंगेतर को याद करो। हाँ, तुम्हारा मंगेतर कहीं नहीं जाएगा, एक मेरा तवीज अपने पास रख लो, रेहान तुम्हारे पीछे घूमेगा। तुम लोग? जी बस हम पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, अल्लाह। शिजा जल्दी करो, रेहान भाई की कॉल आ रही है। मैंने कहा था ना
कहा था मैंने, मुझे रेड कलर रास नहीं। देखा रेहान भाई, इसके दिमाग से ये बात निकलती ही नहीं है। मैं कहाँ? तुम एक ऐसे रूम में हो जहाँ पे सब कुछ रेड है, यानी कि समझ लो कि तुम रेड हाउस में हो। क्या शीशा, मुझे हीरा ने तुम्हारी सारी अहमकाना बातें बता दी। और जिस रेड कलर से तुम्हें डर लगता था, उसी रेड कलर का ब्लड देकर रेहान भाई ने तुम्हारी जान बचाई। अब सोचो, अगर रेड कलर तुम्हें रास नहीं आता तो आज तुमकी जिंदा कैसे होती? क्या हो गया है? अरे सुर्ख रंग तो मुहब्बत की अलामत है। अब ये मत कहना कि ये शर्ट चेंज कर। क्योंकि सुर्ख रंग का मैंने तुम्हारा ब्राइडल सूट बनवाया है और वही सूट पहन कर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आओगी। सारी जिंदगी का साथ देने के लिए।